Hello everyone, good morning and welcome to our YouTube channel. And I hope you are guys fine, absolutely wherever you are. And I hope आप सब भी अच्छे होंगे. हम लोग भी यहाँ पे अच्छे ही है. तो चलो अभी थोड़ा बोलने में ना थोड़ा हमारी लैंग्वेज थोड़ी अलग है, उस वजह से हमारी लैंग्वेज पे मत जाइएगा. और जो बोल रही हूँ वो आप समझना अच्छे से कि मेरा जो बोलने का मतलब है वो क्या है. तो वही है. और देखो ब्यूटीफुल मॉर्निंग हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया. हमारे पीछे चनी आ चुका है, बहुत ही आज ज़्यादा ही सनी है. और कल शाम को बारिश आ गई थी, पूरा दिन अच्छा वेदर था लेकिन शाम को बारिश आ गई थी. और अभी बज गए हैं 9:30, ये 9:30 हो चुके हैं. लेट मी चेक वंस अ टाइम. सो 9:30, मुझे लगता है कि 9:30 के ऊपर हो गई होगी, मे बी 9:45 हो गए. ओ माई गॉड, इट्स 10:00. 10:05 हो चुकी है यहाँ पे. तो यहाँ पे है हमारे कान्हा जी. और देखो यहाँ पे ना मैं अभी क्लीन करके गई, लेकिन फिर भी इस भाई साहब ने क्या किया है. देखो वो बैठा है वहाँ पे सोफे में. देखो चलो दिखाती हूँ वहाँ पे. तो यहाँ से क्लीनिंग करते मैं गई वहाँ पे, गार्डन में सारा क्लीन किया. गार्डन में क्लीन करके आई घर में तो फिर से ये सारी चीज़ें फैला दी है. तो इस भाई साहब का तो वही होता है. हाय. ओ ये ना भी ये देख रहा है, उसका फेवरेट शो है तो ये अभी देख रहा है. चलो गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग. हाय, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग क्या था? हाय, हाय. जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा. ओम नमः शिवाय बोले. नहीं, ओम नमः शिवाय इम बोला ना. उसको ओम नमः शिवाय बोलाते हैं ना तो बोलता है. हाँ, लेकिन ओम नमः शिवाय बोलता. बोल दो. तो भाई अभी 10 बज गए हैं, 1 घंटे में तो इसको पिक करने का टाइम भी हो जाएगा. और चलो मैं अभी दिखाती हूँ हमारी तुलसी माता. तो भाई हमारी तुलसी माता ना ये पत्ते ना थोड़ा मुरझा गए हैं क्योंकि पानी नहीं डाला था. तो अभी तो पानी डाला है ना, तो उसके बाद देखना ये पत्ते ना फिर से वापस क्या बोलते हैं, अभी ये मुरझा गए हैं तो अभी अच्छे से वो ग्लो करेंगे. तो अभी तो फिलहाल ऐसे मुरझाया हुआ दिख रहा होगा. जब ग्लो करेगा ना तब मैं दिखाती हूँ. तो हम संडे टू संडे पानी डालते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभार ना डाल नहीं पाते हैं इसमें पानी, तो उस वजह से बस वही है. तो अभी ना मैंने जाके पानी डाला है, तो अभी देखो पानी डाल दिया है. अभी थोड़ी देर के बाद ना मैं देखूँगी फिर से तो ये फिर से ना ये पत्ते ना थोड़े ग्लो हो जाएंगे. अभी कितना देखो अभी पूरा सूख गया है ऐसा लग रहा है, ये सब ऐसा ही लग रहा है पूरा सूख गया है. जैसे इसके मूड में ना पानी जाएगा ना अच्छे से वो फिर से वो. और चलो अभी 10 बज के 10 मिनट हो चुकी है. और यहाँ पे भी मुझे थोड़ा वर्कआउट करना है. यहाँ पे कुछ बड़ी लकड़ी लाके अभी स्टैंड करनी है क्योंकि ये लकड़ियाँ है ना छोटी है, तो इसका ना वो गोल गोल घुमा के ऐसे वहाँ से जब बड़ा होगा ना तो वहाँ तक लेके जाना है. कब तक जाएगा वो तो पता नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार होता है तो हो जाता है, लेकिन होता नहीं है तो फिर सूख जाता है. ये हो गया तो इसमें ना बड़ी लकड़ी डाल के थोड़ा अप कर देती हूँ ताकि उसका जो वेला है ना वो जो मनी प्लांट होता है ना उसके जैसे वो जाएगा. तो चलो मैं पहले ना बड़ी सी लकड़ी ढूंढ लेती हूँ, फिर वो भी कर देती हूँ. और उसके बाद क्लीनिंग का काम करना है. कल ना टीवी यूनिट कर दिया है क्लीनिंग, और आज ना अभी करेंगे किचन का क्लीनिंग करूँगी. और जब क्लीनिंग करते हुए ना हमारा कैमरा मैन नहीं है तो सारा कुछ मैं दिखा नहीं पाती हूँ. तो मुझे ना वो स्टैंड है ना वो स्टैंड को भी निकालना पड़ेगा ताकि मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर सकूँ क्या क्या हमारे घर में होता है क्या नहीं होता है. ये सारी चीज़ें कभी कभार ना मैं ले नहीं पाती हूँ तो वही है. तो उस वजह से सॉरी गाइस, क्योंकि ना मैं सारा कुछ करके बाद में आपके साथ कंटिन्यू करती हूँ. तो क्या है, कभी कभार किसी को लग रहा होगा कि ये ना सारी चीज़ें फेक है, झूठ बोल रही है, लेकिन भाई झूठ नहीं है, जो भी है वो ट्रूली है, मीन्स सच है, झूठ नहीं बोलती हूँ. जो है कहीं भी जाते हैं वही हम सारा कुछ लेते हैं हमारा नॉर्मल रूटीन. तो अभी ना फाइनली मैं आ गई हूँ घर में, और ये ना बड़ी वाली लकड़ी लेके आ गई हूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी बड़ी लकड़ी लेके आई हूँ.
तभी इस लकड़ी को ना यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ तक जाएगी लकड़ी। तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अभी मैं इसको पहले कर लेती हूँ, भी कंटिन्यू व्लॉग में एंड तक रहना, कहीं पे मत जाइएगा। और देखना मैं हम अभी कैसे कर रही हूँ उसको। तो फाइनली गाइस अभी देखो इसको कुछ इस तरीके से अभी कर दिया है। तो ये बड़ी सी लकड़ियाँ हम यहाँ तक आ गई है, तो भी ये ना सीधा सीधा जाएगा ऊपर तक। तो आई होप मैं जैसा सोच रही हूँ ना वैसा ही हो ये। अगर नहीं होएगा तो अभी क्या कर सकते हैं, नहीं डालना पड़ेगा अभी। तो देखो ये पान ना सूख गया है। तो ये क्या है आपको पता है, ये मनी प्लांट नहीं है, ये ना जो नागरबेल का पान होता है ना, ये है वो वाला है। ये तो इंडिया से लेके आए थे, हमारे सिस्टर इन लॉ के घर से, हमारी ननंद के घर से लेके आए थे मम्मी जब आए थे तब। और मम्मी आए थे तब से लेके अभी तक दो बार हमारे सिस्टर इन लॉ ने ऐसा फिर भी वहाँ से लेके आए। हमारे घर के लोग हमारी फैमिली वाले लोग जाते हैं ना, तो हम यही स्पेशल मंगाते हैं दीदी को बोल के वहाँ से। तो दीदी ना ये सारी चीज़ें वो अच्छे से करके फिर दे देते हैं वहाँ से। तो यहाँ तक तो आता है लेकिन फिर ये होता नहीं है। वो क्यों नहीं होता है वो तो पता नहीं है, लेकिन ये पहला है कि ये हो गया है। जब मम्मी लाए थे तब से ये ना रखा हुआ था, तब से इसमें हुआ है ये। और अभी देखते हैं अभी आगे क्या होता है। अभी मम्मी आएंगे तो और भी मंगाना है, दीदी को बोलेंगे वहाँ से तो और भी हमें भेजे और भी डालेंगे, शायद हो सके इस। तो वही है भाई, अभी चलो थोड़ा क्लीनिंग का काम निपटा लेती हूँ। यू बी कंटिन्यू गाइस व्लॉग में एंड तक रहना। सो फाइनली गाइस देखो भी यहाँ पे ना किचन क्लीनिंग स्टार्ट कर दिया है। तो ये ना मैंने लिक्विड वाले वाटर से अभी थोड़े सब देखो क्लीन करो। चलो अभी स्टार्ट कर दिया है हमारे छोटे भाई साहब ने। तो पहले ना मैंने लिक्विड से ये सारे सेल्फ का जो आगे का है ना वो मैंने अभी किस दिया है, अभी उसको ना क्लीन करना है। तो ये भाई साहब ने ऑलरेडी पोछा ले लिया है, अभी देखो कैसे बढ़िया मात्रा में ये पोछा कर रहा है। ओके। तो भाई बच गए है दोपहर के 3:30। सो देखो यहाँ पे भी आइसक्रीम नहीं पेप्सी पार्टी चल रही है। तो अभी सभी बच्चों ने निकाल लिया है, ये ना इंडिया से पेप्सी आई है, तो हमें ना किसी ने दी है, हमारी फ्रेंड ने दी है। दिखाओ अभी पेप्सी, तो पूरा पैकेट दिया था। तो थैंक यू वेरी मच हमारी। एंड दिस पेप्सी आर नॉट ओनली लाइक आइस बट दिस इज फ्रॉम स्लश। स्लश या स्लश। सो यू विल लाइक इट। मॉम कैन यू मूव, यू विल लाइक इट। यप, सो थैंक यू टू आंटी। तो भाई अभी बच्चे ना अभी ये इसको क्या बोलते हैं, हम लोग पेप्सी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, आइस पॉप्स बोलते हैं, आइस पॉप्स इसमें लिखा है। तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, हमें कलर दिया था तो मैंने ना फ्रिज में रख दिया था, डीप फ्रिज में। तो अच्छे से अभी वो आइस हो गई है, तभी ना वेदर अच्छा है तो बच्चों ने निकाल के अभी स्टार्ट कर दिया है खाने का। तो मैंने भी टेस्ट मारा अभी विहान क्या जो आइस पॉप्स थे ना उसमें से मैंने भी टेस्ट किया, तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था। टोटली इंडियन इंडिया के जब हम छोटे थे ना तब यही पेप्सी हम लोग खाते थे, तो इंडिया की याद दिला दी इस आइस पॉप्स ने। तो बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे मिलती है लेकिन ऐसी नहीं मिलती है जी
जैसा इंडिया का जो ये आइस पॉप में टेस्ट होता है ना, वहाँ उसके जैसा टेस्ट यहाँ पे नहीं होता है, तो यहाँ का थोड़ा अलग ही होता है, लेकिन मिलती ज़रूर है। तो बहुत ही अच्छा लगा, पूरा पैकेट दिया था, सो थैंक यू वेरी मच। तो गाइस अभी बच गए हैं 8 और हम लोग हो गए हैं फ्री। अभी यहाँ पे ना होमवर्क चल रहा है और ब्ला 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 थोड़ा ज्यादा चल रहा है क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा है वहाँ पे, तो उस वजह से थोड़ा ब्ला 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 हो रहा है। यहाँ पे बैठे मत भूलिएगा, एंड कीप वॉचिंग एंड बाय। कल मिलते हैं नए व्लॉग में।